क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया, अ क्लॉक टावर स्टैंड्स एट द क्रॉसिंग ऑफ टू आर्स विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, पी क्यू आर एस आर पॉइंट्स ऑन द रोड ड्यू नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली, वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर आर रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, देन पी क्यू बाई आर एस का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉसिंग है ऐसे करके, और क्रॉसिंग पे आपको क्या करना है, एक टावर खड़ा करना है। चलिए टावर हमने खड़ा कर दिया, इसका नाम टावर का हमने ए भी रख दिया है। फिर बोला है कि पी जो है आपका नॉर्थ में है, अच्छा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्यू किधर है, क्यू है आपका ईस्ट में, आर अच्छा क्यू है ना, आर हो गया साउथ में एंड एस हो गया आपका क्या वेस्ट में। सबसे हमें दिया एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मतलब अगर हमने पी से ज्वाइन किया इसको, हाइट को वर्टेक्स को ज्वाइन करना है टॉप को, फिर इससे ज्वाइन किया, आर से ज्वाइन किया एंड एस से ज्वाइन किया, सबका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है, पी से अल्फा है, क्यू से बीटा है, आर से गामा है एंड एस से क्या है डेल्टा। यहाँ पे जो बात समझनी है कि ये जो ए बी है ना, ये परपेंडिकुलर है, सभी जगह परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी का हाइट हमने एच अज्यूम कर लिया, अच्छा हमें चाहिए पी क्यू स्क्वायर बाई आर एस स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर निकालने के लिए ए पी एंड ए क्यू चाहिए हमें। तो एक देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए पी बी में अगर हम आपसे पूछे कि टेन अल्फा क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ए बी बाई ए पी होगा, मतलब कि ए बी तो एच है, ए पी यहां से आ गया, ए पी का जो वैल्यू है वो एच बाई टेन अल्फा हो जाएगा ए पी। सेम लॉजिक से अगर हम बोले कि बी पी का वैल्यू क्या होगा, बी पी नहीं ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो ए क्यू जिस ट्रायंगल में है ये ट्रायंगल इधर हो गया, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बीटा है, तो ए क्यू का वैल्यू देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा था तो ए क्यू का वैल्यू हो गया एच टेन अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है तो हो जाएगा एच बाई टेन बीटा, अच्छा एच बाई टेन अल्फा था एच बाई टेन बीटा हो जाएगा। फिर ए आर का वैल्यू हो जाएगा एच बाई टेन गामा, और ए एस का वैल्यू हो जाएगा एच बाई टेन डेल्टा। जो हमें पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर तो हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, मतलब कि एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से आ जाएगा वन बाई टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर बीटा। तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया है एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, फिर हमें चाहिए आर एस का होल स्क्वायर। देखिए आर एस जब निकालने जाएंगे तो आर एस किधर आ रहा है, यही आ रहा है ना आर एस, आर एस के लिए हमें क्या चाहिए, ए एस चाहिए एंड ए आर चाहिए, तो इसको लिख लीजिए ए आर स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए आ गया कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो पी क्यू बाई आर एस का जो होल स्क्वायर है, एच स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा, ये हो गया पी क्यू बाई आर एस का होल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं, सी। तो इसमें हमने किया क्या, एक डायग्राम बनाया और टोटल फोर ट्रायंगल्स उसके बाद हुआ, फोर ट्रायंगल्स में बाकी वैल्यूज निकालिए एंड फिर हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर होगा, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।